नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर हैं और जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर जॉब इंटरव्यू में एक इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखने से पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। नंबर वन, आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी एडुकेशन, स्किल्स, टेक्निकल एबिलिटीज, नॉलेज, समर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, करियर ऑब्जेक्टिव और गोल पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एचआर या इंटरव्यूअर आपकी हॉबी से ज़्यादा इन बातों पर फोकस करता है, क्योंकि उसे एक इंजीनियर हायर करना है। नंबर टू, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का बेस्ट मेथड है 80/20 मेथड, जिसमें आप 80% अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और 20% अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए ये मेथड ज़रूर अपनाएं। नंबर थ्री, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए शुरुआती 30 से 40 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी में ही एचआर या इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए शुरुआत के 30 से 40 सेकेंड में बेहद सावधान रहें और किसी भी तरीके की कोई ग्रामेटिकल गलती ना करें। तो आइए दोस्तों, फाइनली सीखते हैं एक सैम्पल सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का एक बेहद इम्प्रेसिव तरीका। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ देवर्षि मिश्रा। I am born and brought up in New Delhi. I completed my schooling from CBSE board. I'm a BTech graduate in mechanical engineering from XYZ College. BTech from XYZ College was a wonderful experience, as I was not only involved in learning about mechanical engineering and practical projects, but also got opportunities to participate in many extracurricular activities, including personality development, skill development, sports, seminars and workshop related with mechanical engineering. I have sound knowledge of mechanical engineering concepts, including production and control process. I'm skilled in using AutoCAD, MATLAB and SOLIDWORKS software and able to create blueprints. I completed my summer training in aerodynamics from 000 Technologies Private Limited, where I learned about the core fundamentals of this branch of dynamics. I have strong technical abilities to design, test and modify. I'm equally competent in data interpretation and data analysis. I completed my college project on fundamentals of internal combustion engine. I'm a team player with excellent communication skills who aspires to start his career in mechanical engineering with a growth-oriented organization. अब दोस्तों, बात करें इस सेल्फ इंट्रोडक्शन की हिंदी ट्रांसलेशन की, तो इसका अर्थ ये है, सुप्रभात सर, मेरा नाम देवर्षि मिश्रा है, मेरा जन्म और पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ है, मैंने CBSE बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, मैं XYZ कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech स्नातक हूँ। XYZ कॉलेज से BTech एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि मैं न केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखने में शामिल था, बल्कि व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, खेल, सेमिनार और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सेमिनार और वर्कशॉप सहित कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने का भी अवसर मुझे मिला। मुझे प्रोडक्शन और कंट्रोल प्रोसेस सहित मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का अच्छा ज्ञान है। मैं ऑटोकैड, मैटलैब और सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में और ब्लूप्रिंट बनाने में सक्षम हूँ। मैंने 000 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में एरोडायनेमिक्स में अपना ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण पूरा किया है, जहां मैंने डायनेमिक्स की इस शाखा के मूल सिद्धांतों के बारे में सीखा है। मेरे पास परीक्षण, डिज़ाइन और संशोधन करने के लिए मजबूत तकनीकी क्षमताएं हैं और मैं डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस में समान रूप से सक्षम हूं। मैंने इंटरनल कम्बशन इंजन के मूल सिद्धांतों पर अपना कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा किया है। मैं उत्कृष्ट संचार कौशल वाला टीम का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हूँ, जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर शुरू करने की इच्छा रखता है। अब दोस्तों, अगर आप इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट ने अपनी स्कूलिंग, स्किल्स, नॉलेज, स्ट्रेंथ्स, समर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स पर मेन फोकस किया है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में 80/20 मेथड यूज़ किया गया है और सेल्फ इंट्रोडक्शन को शुरुआती 30-40 सेकेंड से ही बहुत स्पेसिफिक रखा गया है, जिससे इंटरव्यूअर को वही सुनाया जाए जो वो सुनना चाहता है और जो बेहद स्पेसिफिक है। हालांकि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन शायद आपको बहुत लंबा लग सकता है, तो आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे छोटा भी
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और चाहे आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हों या टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हों, आप इस तरीके का सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉलो कर सकते हैं जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में ज़रूर कामयाब होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो और मेरा ये एफर्ट पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।